बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो। साथियों कह रहा है कि शैल यानी कि रॉक के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब रॉक्स के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, रॉक साइकिल कहते हैं। चलो, ड्रीम गर्ल ज्योति दीप, प्रियांशी, आरती, प्रीति और मामा जी, जूही, सुमन, आस्था, चलो सभी लोगों का स्वागत है। जूही जी, राधे राधे, चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। कविता जी, सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको बहुत बहुत नमस्ते। चलिए तो करते हैं हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि महासागरीय जल यानी कि ओशनिक वाटर्स जो होता है, ओशन वाटर्स का लयबद्ध रूप से दिन में दो बार लयबद्ध रूप से उठना एवं गिरना क्या कहलाता है। लयबद्ध रूप से जो पानी होता है, पानी दिन में दो बार लयबद्ध तरीके से ये जो उठता है और फिर गिरता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, कोशिश करेंगे। साथियों बढ़ते हैं आगे इस प्रश्न में हम लोग 21 नंबर में देखते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पर मैचिंग करना नहीं है हम लोगों को, यहाँ पर मैचिंग पहले से किया हुआ है, मिलान यहाँ पे पहले से किया गया है। रीजन्स को यानी कि क्षेत्रों को घास स्थल से यानी ग्रासलैंड से पहले से मिलाया हुआ है और जो चार यहाँ पर दिए गए हैं ना, चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमको देखना है कि किसका मिलान सही तरीके से नहीं किया गया है। तो जब हम देखते हैं नॉर्दर्न अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका हम देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान तो पाए जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन वहीं हम जब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर दिया हुआ है डाउन्स, जबकि दक्षिण अफ्रीका में डाउन्स नहीं होता है, क्या होता है, वेल्ड होता है, यानी कि ये वाला तो गलत हो गया। अब जैसे ही ये गलत हुआ तो वैसे ही ये भी गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर डाउन हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर वेल्ड हो जाएगा। तो दो ऐसे पेयर हैं जो कि यहाँ पर गलत है। स्टेपी के मैदान यहाँ पे मध्य एशिया में, ये भी सही है। तो दो पेयर है जो कि यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, केवल दो युग्म है जो कि सही सुमेलित है, क्योंकि दो युग्म है जो कि सही तरीके से सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो युग्म यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है, यानी कि सुनामी जब आता है तो उसका संकेत, उसके कई सारे संकेत होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला कौन सा संकेत हमको मिलता है सुनामी के आने पर। तो तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, यानी कि पानी जो है तटों पर से समुद्र के भीतरी हिस्से में जाने लगता है। फिर कहता है यहाँ पे तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग वेव्स के बारे में बात हो रहा है। फिर कह रहा है यहाँ पे तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग, तटीय क्षेत्र पर से तरंगे समुद्र के अंदरूनी हिस्से में जाती रहेंगी, जल्दी बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 23, जल्दी से बताइए।
चलिए साथियों आते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य वनस्पति वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन और वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ कहाँ मिलते हैं हमें? तो लिथोस्फेयर में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लिथोस्फेयर स्थल मंडल में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जल मंडल में भी तो मिलता है, दोनों जगहों पर मिलता है। जब दोनों जगहों में मिलता है तो सीधी सी बात है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, बायोस्फेयर यानी कि जैव मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही। साथियों प्रश्न कह रहा है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ठंडे रेगिस्तान से होकर के कौन सी प्रमुख, ठंडे रेगिस्तान का मतलब क्या, लद्दाख, ठीक है। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इंडस नदी होती है यानी कि सिंधु नदी होती है, जो कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर के गुजरती है, यानी कि विकल्प संख्या 3 आंसर सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे हम लोगों को मिलान करना है, देखते हैं राज्य का मिलान करना है किससे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी कि परमाणु ऊर्जा केंद्र से करना है। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या है, कौन सा है, कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो पहला का मिलान किससे हो जाएगा, 2 से होगा। आओ विकल्प देखते हैं, 2 कहाँ पे है, 2 दो जगहों पे है, सी में भी है और डी में भी है, दो जगहों पे 2 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मिलाना है किससे, तारापुर से। तो तारापुर यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का 1 कहाँ दिया हुआ है, बी का 1 केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि विकल्प संख्या जो सी है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, नरोरा, और कैगा कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर देंगे। प्रश्न है, ये कह रहा है कि मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू, ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो यहाँ पे मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू, ऊपर दिए गए नाम किनसे संबंधित है, किनसे संबंधित है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और विलुप्त प्रजातियां, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और विलुप्त प्रजातियां इससे संबंधित है ये, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, कृषि और विलुप्त प्रजातियां इससे संबंधित है मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। साथियों देखते हैं इस प्रश्न को, कह रहा है कि भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मुहावरे का प्रयोग किया, अनेकता में एकता का प्रयोग किसने किया था, भारत का वर्णन करते हुए किन्होंने किया था, अनेकता में एकता का डिस्क्रिप्शन किन्होंने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग जल्दी से, अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। दोस्तों ये प्रश्न 30 क्या कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, केंद्र सरकार किस पर कानून नहीं बना सकती है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, पुलिस और मुद्रा, किस पर कानून नहीं बना सकती है, तो पुलिस पर कानून नहीं बना सकती है, पुलिस पर कानून
नहीं बना सकती है। विकल्प संख्या तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से इसका उत्तर देंगे। कह रहा है कि भारत में सरकार तीन स्तरों पर काम करती है। भारत में सरकार कितने स्तरों पर काम करती है? तीन स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? अभी पिछले सवाल में ही इसका जवाब है। क्या कहते हैं हम लोग? संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन स्तरों पर काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? संघवाद कहते हैं, फेडरल सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ कह रहा है कि किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ऐसा किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने? किन्होंने कहा था ऐसा, जल्दी से बताएंगे। सवाल है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वह आदमी जो अमीर है, जिसके पास संपत्ति है, धन दौलत है, वह वोट दे सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वह वोट नहीं दे सकता है। ये विचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहा था किन्होंने? ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने, यानी कि विकल्प संख्या ए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल है एकदम रद्दी सवाल है। प्रश्न कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा है, भारत कौन सा भाग है जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य, तो किसके बारे में बात हो रही है? कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यही घोषणा करता है। किस चीज की? कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, विकल्प संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, कह रहा है कि संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार, यदि वह मानती है कि वह संविधान के मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, क्या कहलाता है? यानी कि संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है, उस अधिकार को हम क्या कहते हैं? जब वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, यानी कि जो मूलभूत संरचना है उसका उल्लंघन करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद, मूलभूत क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्या कहते हैं उसको हम लोग? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न, एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है, यह प्रश्न है। कह रहा है कि अधिगम प्रतिफल
में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है, यानी कि अधिगम प्रतिफल में ये जो प्रश्न जो पूछा गया है उसमें से क्या प्रतिबिंबित होता है, क्या झलकता है, क्या पता चलता है, ठीक है? तो क्या है? जानकारी एवं उनके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। बिल्कुल सही बात है, जानकारी जो दिया गया है एवं उसके जो स्रोत है, ठीक है, उसके उसका विश्लेषण करना है और उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है? तो यही चीज झलकता है यहाँ से। तो इसका 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कीजिए, ठीक है?